हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश रोशन फ्रॉम लर्न टेक टू टेक चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, इसमें मैं आपको जो जी डेवलप जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैं आपको गेम बनाने बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना गेम क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोज है उसमें मैंने आपको जो है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे मैंने आपको बता चुके हैं। जो पुराना इससे पहला वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम गेम बनाने जा रहे हैं, जो छोटा सा चीज़ हम डेवलप करने जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म रिलेटेड गेम है जो मैं अभी अभी वीडियो में आपको खेल के दिखाऊंगा। तो यही सेम चीज़ मैं अभी डेवलप करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कार्टून इस तरीके से चल रहा है और इस तरीके से आप जो है इसको मूव करवा रहे हैं, जंप करवा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपका आगे आते जा रहा है। तो इस तरह का एक छोटा सा जो है गेम हम जो है कोशिश करेंगे डेवलप करने का। तो मैं पहले से जो गेम है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं अब जो है नया गेम ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप न्यू करेंगे तो आपको देखिएगा दो तरह के आएंगे कि एक नेटिव मतलब विंडोज़ में खेलने के लिए है या एक वेब में। तो मैं HTML5 वेब एंड एंड्रॉयड गेम्स लेता हूँ, जिससे कि क्या है कि इसे रन करने में मुझे आसान होगा और जो नए फ्यूचर वीडियोज़ हैं उसमें मैं हर तरह के ले जो है गेम्स बनाने के लिए मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक मेरा हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यू सीन में जाते हैं और न्यू सीन में राइट क्लिक करके जस्ट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके कलर चेंज कर देता हूँ जो कलर मैं चाहता हूँ। तो मैं ये कलर एक ले लेता हूँ और कलर चेंज करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये कलर आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहले क्या है, गेम को खेलने के लिए जो आपके गेम्स में प्लेटफॉर्म होने चाहिए, प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको दिखने चाहिए। तो जैसे मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, मैं यहाँ पर इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो प्लेटफॉर्म ऐड करने के मैं टाइल्ड स्प्राइट में जाता हूँ, ये एक्टिव नहीं है, पर जब आप ओके करेंगे तो ये कुछ मैसेज देगा, आप कुछ नहीं, इसको यस करें, ये आ गया। अब यहाँ से आप ऐड करके अपने प्लेटफॉर्म चूज करें। प्लेटफॉर्म जो है आपको सोचना नहीं है, चाहे तो आप अपना प्लेटफॉर्म खुद भी बना सकते हैं इमेज कहीं से क्रिएट करके फोटोशॉप उनके थ्रू, बट ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेज आपको मिलेंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जी डेवलप फोल्डर में एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर बहुत सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए ये प्लेटफॉर्म आ गया, आप इसको क्लिक करें और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और ओके करेंगे तो ये एक इमेज आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा इमेज है, आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। आपने इसको खींच के बड़ा कर दिया, इसका विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डाल दें। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं पेस्ट करता जाता हूँ और यहाँ पर प्लेटफॉर्म में डालता जाता हूँ। और क्योंकि पहला वीडियो है तो हमें मेन जो सीखना है कि यह किस तरह से काम होता है, तो ये मैंने प्लेटफॉर्म डाल दिया। अब दूसरा क्या है, अब एक कार्टून आना चाहिए जो कूद कूद के आगे जाएगा या जो एनिमेट होगा। तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाते हैं, तो इसके लिए हम स्प्राइट में जाएंगे। स्प्राइट में जाएंगे तो इस तरह से एनिमेशन आ जाएगा। क्योंकि एनिमेशन में क्या होता है कि आपको एक इमेज नहीं चाहिए, आपको अलग अलग इमेजेज, जैसे कोई बंदा चल रहा है तो उसके हर स्टेप का इमेजेज चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमेशन जीरो ऑलरेडी है, यहाँ पर नीचे ला के आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है कुछ इमेजेज हैं, मैं उसी को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा P1 जंप, P1 स्टैंड। तो सबसे पहले मैं स्टैंड वाला लेता हूँ, तो आप देखिए स्टैंड वाला आ गया। अब ये स्टैंड हो गया, अब आपको जंप के लिए चाहिए। तो जंप के लिए मैं फिर से एक ऐड करता हूँ और यहाँ पर फिर से ऐड इमेज करता हूँ। इमेज का नाम P से स्टार्ट है तो मैं P देता हूँ, P1.jump। ये जंप के लिए आ गया। तो ये तो एक एक्चुअली क्या है, जंप इज वन एक्टिविटी, स्टैंड इज वन एक्टिविटी, तो इसके लिए एक इमेज सफिशियंट है। बट अगर कोई चल रहा है तो चल रहा है तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्टिविटी है होने चाहिए, तो उसमें मल्टीपल इमेज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिर से एड एनिमेशन करता हूँ, पर इस जो एनिमेशन टू में आई विल पुट 7 इमेजेज जो कि अलग, आप इमेज देख रहे होंगे कई, थोड़ा सा पैर हिलाया, फिर आओ थोड़ा पैर हिलाया, फिर पीछे किया उसने पैर, तो हर स्टेप बाय स्टेप की इमेज है। ओपन किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे इमेज आ गए। अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं,
कि ये इमेजेस जो है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रीव्यू में ये चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा लेट कर रहा है, तो आप एनिमेशन टू में जाएं और आप टाइम सेट कर दें कि जो एक इमेज है और दूसरे इमेज के आने में क्या टाइम होगा। तो मैं 0.1 सेकेंड डाल रहा हूँ। तो अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो आपको चलते हुए दिखेगा। आप देख रहे हैं ये चलता हुआ दिख रहा है, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो चलता हुआ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। अब ये हो गया, मैं इसको क्लोज करता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आप राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में एड ए बिहेवियर में जाएं और बिहेवियर में जस्ट आप इसको प्लेटफॉर्म करें कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करेगा, तो हम प्लेटफॉर्म कर दिए। उसके बाद आप इस पे जाएं, इसके प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करें। अब इसके प्रॉपर्टी में बताएं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ इसका बिहेवियर जो है प्लेटफॉर्म में कैरेक्टर की तरह है, मतलब इस प्लेटफॉर्म में कोई ये कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा। तो ये देखिए बहुत सारा आ गया, तो ठीक है, बोल रहा है ठीक है ये कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा, तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, जंप स्पीड क्या होगा। मैं जंप स्पीड दे रहा हूँ कि 1200, मतलब जब ये जंप करेगा तो 1200 के स्पीड में जंप करेगा। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और मैं इसका एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये प्रीव्यू आ गया, तो ये चल रहा है पर इसके पैर नहीं हिल रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, और आगे की चीज़ें भी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अभी हमने इवेंट नहीं डाले, अभी सिंपली ये चल रहा है। तो हम इवेंट्स पे आते हैं, इवेंट्स पे आते हैं। अब इवेंट्स में हम ऐड ए न्यू इवेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू इवेंट्स में देखिए कंडीशन और एक्शन, मतलब किस कंडीशन पे ये क्या एक्शन लेगा। तो सबसे पहले कंडीशन में जंप का देता हूँ, तो सर्च में आपको जो भी चीज़ है उसको सर्च कर लीजिए, जंपिंग में जाएँ, ढूंढने में आपको दिक्कत होगा। जंपिंग किया हमने, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पर दिख भी रहा होगा क्योंकि हम कंडीशंस किस पे लगा रहे हैं, इस कार्टून पे लगा रहे हैं। किया, फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने वहाँ सेट किया था कि ये प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट है। ये आ गया, इसमें ऐड एन एक्शन में आइए, ऐड एन एक्शन में यहाँ एनिमेशन सर्च कीजिए, एनिम आप लिखिएगा उसी में आ जाएगा, चेंज द एनिमेशन। ऑब्जेक्ट में फिर से आप न्यू ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वैल्यू को आप कर दीजिए 1, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये जंप करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी और फिर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर जंपिंग के जगह मैं इसको मैं डालना चाहता हूँ फ्लोर, क्योंकि वो फ्लोर में रहेगा तो क्या होगा, तो ये फ्लोर में, तो फ्लोर में जब रहेगा तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, नो एक्शन। उसके बाद जब ये फ्लोर में रहेंगे तो बहुत सारे सब इवेंट होंगे, सब इवेंट क्या होंगे, फ्लोर में ये मूव करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूविंग, तो देखिए यहाँ पर इज मूविंग आ गया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यू ऑब्जेक्ट टू, चूज किया हमने, फिर बिहेवियर इसका सेलेक्ट किया, बिहेवियर अपने आप आता है, आपको नहीं करना है। फिर मैं एक्शन में जाता हूँ, एक्शन में मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल भी, पर इसको मैं देता हूँ 0। उसके बाद फिर से मैं सब इवेंट नहीं, सॉरी सब इवेंट नहीं, ये तो सब इवेंट अगर मैं करूँगा तो उसके अंदर का इवेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करता हूँ, तो फिर से ये आ गया, ये भी मूविंग में ही रहेगा और इसको मैं करता हूँ 2, मतलब 2 बार ये मूव करेगा। और चूंकि हमको पीछे भी ले जाना है तो ये जो पहला जो न्यू ऑब्जेक्ट टू इज मूविंग है इसको मैं इन्वर्ट भी डाल देता हूँ कि उल्टा भी चल सकता है, इन्वर्ट कंडीशन। तो ये हो गए, तो मैं इस फाइल को फिर सेव करता हूँ, सीन में जाके मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो ये आ गया, अब देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके पाँव चलने लगे हैं और ये उछल भी रहा है, तो आप देखिएगा इनके पाँव फैल रहे हैं, तो उछलने के कंडीशन में भी आ रहा है। अब इसको जो है फिर अगेन यही है कि आगे के जो चीज़ें हैं वो नहीं आ रही है, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब इस जो आगे की चीज़ें, जो आगे आपका कैमरा जो है वो बिल्कुल आपके जो कार्टून मूव कर रहा है उसके पीछे पीछे चले, तो उसके लिए फिर हमें फिर इवेंट्स लगाने पड़ेंगे। फिर मैं इवेंट्स में आता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मुझे एक नया एड इवेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 में आके तब ऐड इवेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर ये सब इवेंट में आ जाएगा। हमें इसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बस हमें क्या है कि कैमरा जो है हमारा
उस कार्टून के पीछे घूमते रहना। तो कैमरा जब आप लिखेंगे तो कैमरा सेंटर एक्सपोजिशन, सेंटर एक्सपोजिशन पे आएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑल ऑब्जेक्ट पे जाइए, फिर पोजिशन पे जाइए, फिर एक्स पोजिशन पे क्लिक कीजिए, फिर ऐड कीजिए। और किसकी पोजिशन आप जो है सही करना देखना चाहते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट टू के, तो ये कर दिया आपने, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया, अब इसको ओके कर दे, तो यहाँ पर आपका कैमरा का पोजीशन जो है एक्स एक्सेस पे लग गया। अब आप आराम से इसको जो है, मैं फिर से सीन पे जाता हूँ, प्रीव्यू पे जाता हूँ। अब आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि मैं, मेरा कैमरा अब सारे आ रहे हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथली हमारा जो है गेम काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्टली, हालांकि ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, पर मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एक बैकग्राउंड के बारे में बता देता चाहता हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि इसके कुछ बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए, तो स्प्राइट में जाएं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, फिर से आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ से ढूंढ लें। जैसे मैं ये वाला ढूंढ ले लिया बैकग्राउंड इमेज, और इसको आप यहाँ पर कर दें। आप इस बैकग्राउंड इमेज को किस पोजिशन पर दिखाना चाहते हैं उसको ढक दें, पर ये ढक गया, पर हमें तो ये बैकग्राउंड पे चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, सेलेक्ट करके लेयर्स एडिटर पे जाके प्लस पे क्लिक करें तो नया लेयर बन जाएगा, और नया लेयर को सेलेक्ट करके उसको अटैच कर दे इससे, द पुट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेयर न्यू लेयर। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो चूंकि नया लेयर जो है वो सेकेंड में है, तो इसलिए बैक साइड में चला जाएगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये दोस्तों हमारा गेम पूरी तरह से तैयार हो चुका, एक जो स्टार्टिंग में आपको देना चाहता था। अब जो है आराम से आप इस गेम को जो है ओपन करके खेलें, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये चल रहा है, आपका बैकग्राउंड भी आ रहा है, ये मूवमेंट भी कर रहा है, और सारे चीज़ें इसके हो रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कोई कोडिंग लिखे, ठीक है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ों को कट एंड पेस्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम बनाया, एक नया जो है गेम जनरेट किया। तो ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल है उसे क्लिक करना ना भूले, जिससे कि मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ गेम्स पे। थैंक यू एंड गुड बाय।